मुंबई में हाल ही में अमन त्रिका का लाइव परफॉर्मेंस रखा गया था। अमन ने कई बार लाइव परफॉर्मेंस की है और अपने दर्शकों का दिल भी जीता है। इससे पहले अमन ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत इंजीनियरिंग से की थी, लेकिन अमन ने एक नए अंदाज में अपनी पहचान बनाई। आज अमन को सारा देश जानता है। अमन ने काफ़ी बड़ी फिल्मों में गाने भी गाए हैं, फिर चाहे वो यह जवानी है दीवानी या फिर खिलाड़ी 786। तो तब हुई जब अमन ने हुक्का बार गाने से लोगों को खुश किया। इस बार लाइव परफॉर्मेंस के मौके पर उनके माता पिता भी उनके साथ हैं। अमन अब नए गाने की तैयारी में पूरी तरीके से जुट चुके हैं। अमन को इस मौके को पाने के लिए काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन अमन ने कभी हार नहीं मानी। तो अब देखना यह होगा कि अमन को इस रास्ते में और कितनी तरक्की मिलती है। के बाद अमन अमिताभ के आने वाली फिल्म भूतनाथ रिटर्न्स में भी गाना गाएंगे। ये बहुत ही एक सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्रेसेंडो का। आप देख रहे हैं क्रेसेंडो म्यूज़िक और वाटरिंग हॉल, ये हॉल वाटरिंग हॉल जो कि वेन्यू जिनका है और जिन्होंने हमें इतना बड़ा चांस दिया है कि मैं अपने फैंस और अपने लव्ड वंस से रूबरू हो सकूं, उनके सामने गा सकूं, परफॉर्म कर सकूं। और बताना चाहता हूं कि क्रेसेंडो म्यूज़िक ने अभी मुझे मेरा एक रिसेंटली लॉन्च सिंगल है माहिया तू ही तू, जो कि अभी एक हफ्ते पहले लॉन्च हुआ है, उसका म्यूज़िक जो रिलीज़ हुआ है वो क्रेसेंडो म्यूज़िक ने किया है। तो क्रेसेंडो म्यूज़िक और वाटरिंग होल की एक कोलैबोरेशन है और उन्होंने कहा मुझसे कि माहिया तू ही तू जो आपका सिंगल है बहुत लाइक किया जा रहा है, बहुत पब्लिक में बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि आप परफॉर्म कीजिए हमारे लिए वाटरिंग होल में आके। और बॉम्बे की पब्लिक के लिए बहुत कम समय मिल पाता है, क्योंकि ज़्यादातर आप सबको पता है कि बॉम्बे से बाहर काफ़ी शोज़ होते हैं, काफ़ी टूर्स होते हैं मेरे, और बॉम्बे में जनरली इतने लाइव शोज़ नहीं होते, होते हैं तो अवार्ड फंक्शंस होते हैं या पर्सनल वेडिंग्स होती हैं। बट ऐसा जो एक माहौल क्रिएट होता है कि एक पब में, एक लाउंज में लाइव सिंगर को लाइव सुन रहे हैं आप, तो बहुत रेयर होता है। एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू नो वाटरिंग होल एंड सुशील भाई हु इज़ द ओनर ऑफ वाटरिंग होल एंड क्रेसेंडो सुरेश थॉमस। आई एम ग्रेटफुल टू देम।